हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये है नए साल की पहली सुबह। जी हाँ, आज 1 जैन है और नए साल की शुरुआत हम कुछ मीठे से करते हैं। तो जल्दी से फ्रेशन अप होकर मैंने खीर बनाने की सोची। खीर तो सब बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक राइस की खीर। उसे मैंने पहले आधे घंटे पहले भिगो दिया था और वो अब रेडी है कुक करने के लिए। ये रेसिपी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी है, अब जरूर चेक कीजिएगा। खीर तो बनी रही है। इस बीच में मैं आपको दिखा दूं मेरे न्यू ईयर का गिफ्ट। कुछ हफ्ते पहले मैं एक स्टोर गई थी, वहां से क्यूट क्यूट बर्तन मुझे इतने पसंद आए थे कि मैंने इन्हें खरीद लिया और आज के लिए ही यानी January 1st को ही इसे यूज करने का फैसला किया। तो खीर आज हम इस पे सर्व करेंगे, है ना क्यूट? आपको जल्द से दिखा दूं क्या क्या लिया। हम अपनों को तो गिफ्ट करते ही हैं, पर कभी कभार खुद को गिफ्ट करना भी जरूरी होता है ना? अच्छा सेल्फ गिफ्ट का आइडिया आप लोग भी यूज कीजिएगा। खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, खुद जो पसंद आए खरीद लीजिए और पैसे आपके पति के पॉकेट से लीजिएगा। कुछ हफ्ते पहले माहिन ने मेरी एक ग्लास तोड़ दी थी जिसमें मैं अक्सर ग्रीन टी पिया करती थी। स्टोर में मुझे वो प्लेन ग्लास तो नहीं मिली, पर एक स्कल वाला ग्लास जरूर मिला। ऑप्शन नहीं था तो ले लिया। खैर कोई बात नहीं, नया साल है तो नया स्टाइल का ग्लास ही सही, और ये तो चाहिए चाहिए। सफाई तो चलती रहती है घरों में, तो इसकी जरूरत थी मुझे, तो ये भी ले लिया। बच्चों के उठने से पहले जल्द से इसे उठा लेते हैं, वरना माहिन के आते ही इनकी खैर नहीं। इस मग का भी इनॉग्रेशन आज ही कर लेते हैं गर्मा गर्म ग्रीन टी के साथ, और चल के अपनी खीर भी देख लेते हैं। खीर तो बन गई। अब खीर बनते ही नेक्स्ट मिठाई भी शुरू कर देते हैं। कुछ रिश्तेदार भी आने वाले हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि झटपट एक गुलाब जामुन भी बनाया जाए। इस रेसिपी की लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दी है, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो फटाफट मेरे गुलाब जामुन भी बनके तल के रेडी हो गए। हम जा रहे हैं आप अपनी लंच की तैयारी के लिए। देखिए मुझे क्या मिला, ये एक चिड़िया का घोंसला गिरा हुआ मिला था। अंदर मैंने चेक किया, इसमें कुछ भी नहीं था, खाली पड़ा था। अब हम जा रहे हैं अपने पिकनिक के लोकेशन में। लोकेशन कहीं दूर नहीं है, हमारे फार्म के ऑपोजिट साइड पे, जहां हम अपनी कुकिंग की सेटअप करने जा रहे हैं। इतना सारा लेडीबग तुम मत खिलाओ। जाओ जाओ कलेक्ट करो। येंगे सीधा ला।
एक्चुअली किसी ने सही कहा है, जगह से क्या मतलब, लोग मैटर करते हैं। पिंक कलर लेडीबग एक पिंक कलर का भी है। ओह नो, बहुत कॉमन है पिंक, देखो साइड में एकदम उसके साइड में है ना, दिखा। क्या करोगे तुम लोग इसे? हम लोग एक साथ छोड़ेंगे अरे खोलो ना, देखो पिंक कलर का एक साथ हटाओ ना, पिंक कलर का एक। मामा सब चाहे किसी भी उम्र के हो, किसी भी रिलीजन के हो, हम सब में एक चीज तो कॉमन है, जनवरी 1st हम सब खुशी से मनाना चाहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो कुछ यूं गुजरा हमारे साल का पहला दिन, अपनों के साथ अपने घर में सुकून से घर का खाना खाते हुए। आज की सुबह भी और दिन की तरह ही थी, वही सूरज, वही पेड़, वही हवा, वही लोग। फिर भी न जाने क्यों दिल में एक उम्मीद थी, उम्मीद कि ये साल पिछले साल से बेटर निकले, बिगड़े काम निपट जाए और ढेर सारी खुशियां लाए। हमने तो इसी तरह अपनों के साथ साल का पहला दिन गुजारा। उम्मीद है आपका दिन भी और आने वाला साल भी खुशियों से भरा रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी न्यू ईयर।